हेलो फ्रेंड, माय नेम इज शोभित राय फ्रॉम ईआरटी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम सबके साथ एक वीडियो और लेके आए हैं जिसमें हम आपको मोबाइल में एमएस एक्सेल कैसे यूज करें उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले, अगर आपके मोबाइल में एमएस एक्सेल इंस्टॉल नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से एमएस एक्सेल इंस्टॉल कर लीजिए। तो आप एमएस एक्सेल पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहां से एमएस एक्सेल इंस्टॉल करना है आपको। देखिए, आ गया सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए मेरा इंस्टॉल्ड है, इसीलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो आप सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर इंस्टॉल नहीं है, फिर उसके बाद ओपन पर क्लिक करिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपको प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च, अगर सर्च में कि अगर आपने पहले से यूज कर रहे हैं तो यहाँ से सर्च में जाके आप जो फाइल सर्च करना चाहते हैं सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको प्लस पर जाता हूँ। यहाँ से आपको ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करना है, जो ब्लैंक वर्कबुक आपको क्योंकि नया क्रिएट करना है। देखिए, आपको एक नया एक्सेल फाइल ही क्रिएट करके दे देगा। ओपन हो गया। अब देखिए, जिस सेल पर आप जाओगे, जिस पॉइंट पर आप जा रहे हैं, ए ब्लॉक में जा रहे हो, बी ब्लॉक में जा रहे हो, तो यहाँ पर एक बॉर्डर बन जा रहा है। इस बॉर्डर को बोलते हैं, इस बॉर्डर जहाँ तक कवर किया रहता है इसको हम सेल बोलते हैं। अगर आपको किसी भी ब्लॉक को सेलेक्ट करना है तो इस दो पॉइंट जो सर्कल बने हुए हैं इसको आप पकड़ के पुल कर लीजिए जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है। दिस इज सेलेक्ट ऑप्शन। कॉपी, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डेटा इंसर्ट करना है तो उस सेल पर जाके दो बार क्लिक करिए। दो बार क्लिक करके आप कुछ भी डेटा इंटर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर गए बी सेल में, बी कॉलम में, यहाँ पर दो बार क्लिक किए और यहाँ पर कोई नंबर इंटर कर दिए। सी कॉलम में गए और यहाँ पर कोई नंबर इंटर करके, यहाँ पर देखिए राइट का क्लिक है, यहाँ पर से आप राइट पर क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट किसी सेल में मूव कर जाइए तो आपका वो डेटा सेव हो जाता है। प्लस आपको अगर ये डेटा को कॉपी करना है तो इस पर दो एक बार क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए आपको कट का, कॉपी, कमेंट, क्लियर एंड फिल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर से आपको कट के बगल में कॉपी का है, इसी पर क्लिक करना है, आपका डेटा कॉपी हो गया। अब आपको जहाँ पर पेस्ट करना है, जैसे मुझे बी का कॉलम में तीसरे रो में क्लिक करना है, यहाँ पर एक बार फिर क्लिक करिए और यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको ये डेटा सेव करना है तो कहाँ से जाइए, ये सबसे ऊपर आपका थ्री सर्कल का डॉटेड बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ से सेव करिए या सेव है। सेव करने पर आपका जो बुक थ्री नेम से है उसी नेम से सेव हो जाएगा। और सेव एज आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, किस नेम से सेव करना चाहते हैं, वहाँ से सेव कर सकते हैं। और आपको अगर इसका बॉर्डर बनाना है तो आप इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक आपको इसका बॉर्डर बनाना है लाइन, तो यहाँ से आपको क्लिक करिए, यहाँ से बॉर्डर पर क्लिक करिए और यहाँ पर कौन सा बॉर्डर आप बनाना चाहते हैं बॉर्डर पर क्लिक कर लीजिए। देखिए, अगर आपको इस सेल कॉलम के विड्थ को एडजस्ट करना है, बढ़ाना है, घटाना है, तो यहाँ पर ऊपर ए की बगल में दो लाइनिंग ओपन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके आप इसको विड्थ बढ़ा सकते हैं या कम करना है तो कम कर सकते हैं। अगर आप इस पर दो बार क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। देखिए, जितना भी है सेलेक्ट कर, लेकिन आप अगर मैन्युअली करना चाहते हैं तो इसको आप पकड़ के एक बार क्लिक करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी सेल के डेटा को आपको बोल्ड करना है तो उस पर क्लिक करिए और यहाँ पर बी लिखा हुआ है, उस बी पर क्लिक कर दीजिए, आपका डेटा बोल्ड हो जाएगा। देखिए, बोल्ड हो गया। इटालिक में लिखना है तो यहाँ से कर दीजिए, इस डेटा पर जाइए, इटालिक पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप किसी सेल में आपको कलर फिल करना है तो उस पर जाइए, उस सेल पर जाइए और यहाँ पर फिल कलर पर जाइए और यहाँ से फिल कर दीजिए।
देखिए आपका डेटा गलत फिल हो गया। तो ये था आपका बेसिक एक्सेल जो आप अपने मोबाइल में बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी बेसिक एक्सेल के बारे में बताएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।